परमिशन प्रोटेक्शन इन एंड्रॉइड। बेसिकली हमने परमिशन तो देखा था कि एंड्रॉइड में परमिशन क्या होती है, हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था कि हम किन सिनेरियोज में परमिशन को यूज करते हैं, उन्हें किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से प्लेस करते हैं, किस फाइल में जाके प्लेस करते हैं, किस तरह से चेक करेंगे, परमिशन ग्रांट करवाएंगे, यूजर को एक्सेस करवाएंगे, अलाउ करवाएंगे, तो ये सारे सिनेरियोज हमने कवर किए थे। सो बेसिकली द पर्पस ऑफ परमिशन क्या था कि हम अपनी एंड्रॉइड में जो यूजर की प्राइवेसी थी उसे प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं। हम बेसिकली चाहते कि किसी भी एक ऑथराइज एंड्रॉइड यूजर का डेटा किसी भी अनऑथराइज यूजर के एक्सेस में ना आ सके, मतलब उसकी प्राइवेसी किसी भी सिनेरियो में लीक ना हो सके। सो एंड्रॉइड ऐप मस्ट रिक्वेस्ट परमिशन टू एक्सेस सेंसिटिव यूजर डेटा सच एज कॉन्टेक्ट या SMS। तो जब भी आप कोई ऐसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाएंगे जिसके थ्रू आप चाह रहे हैं कि आप कॉन्टेक्ट या SMS को एक्सेस करवाएं, या गैलरी को, या किसी भी और फीचर को, किसी सेंसिटिव फीचर्स को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, और अगर आप अनऑथराइज यूजर हैं तो फिर भी आपको अपनी एप्लीकेशन में वो परमिशन प्लेस करवानी पड़ेगी जिनके थ्रू आप ये वाली सर्विसेज को गेट कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के। सो ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं कि अगर यूजर कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा इस तरह की, प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करता है या किसी और अनऑथराइज सोर्स से कोई मैलवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, तो यूजर जब ये एप्लीकेशन रन करेगा तो उस वक्त उसको ये सर्विसेज इनेबल होंगी और उस यूजर के सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा कि अगर यूजर ये वाली सर्विसेज को इनेबल करना चाह रहा है तो ही एप्लीकेशन आपकी इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकेगी, और अगर यूजर उस टाइम पे डिनाई कर देगा, अपनी प्राइवेसी लीक नहीं करेगा और किसी भी ऐसी अनऑथराइज एप्लीकेशन पर ट्रस्ट नहीं करेगा जो कि एक अनऑथराइज सोर्स से डाउनलोड की गई है, सो उस केस में यूजर का सेंसिटिव डेटा किसी भी तरह से एक्सेस नहीं होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द फीचर द सिस्टम माइट ग्रांट द परमिशन ऑटोमेटिकली और माइट प्रॉम्प्ट द यूजर टू अप्रूव द रिक्वेस्ट। सो फीचर पे डिपेंड करते हुए या तो सिस्टम को चाहिए कि वो परमिशंस को जो है वो ऑटोमेटिकली यूजर की स्क्रीन पे दिखा दे कि इस एप्लीकेशन में ये परमिशन इंस्टॉल्ड है, ये परमिशन प्रोवाइड की गई है, अगर आप अलाउ करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इन सर्विसेज को आपकी डिवाइस को एक्सेस कर सकेगी, और अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता तो किसी स्टेट पे जाके किसी भी फंक्शनलिटी के रन होने पे पहले उसकी परमिशन चेक होनी चाहिए। कि जैसे अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम उस कॉन्टेक्ट पे रह के मैनिफेस्ट में परमिशन चेक करते हैं कि आया उससे उस सर्विस के अगेंस्ट कोई परमिशन है हमारी मैनिफेस्ट में, और अगर वो परमिशन है तो पहले वो परमिशन अलाउ होनी चाहिए, उसके बाद उस परमिशन को एक्सेस होनी चाहिए। सो अब बात करते हैं परमिशन के प्रोटेक्शन लेवल के। सो नॉर्मली जब हमने कोई परमिशन ऐड करनी होती है यूजर के लिए तो हम राइट कर देते हैं अपने मैनिफेस्ट फाइल में कुछ इस तरह से कि यूजर्स परमिशन एंड्रॉइड नेम और यहाँ एंड्रॉइड डॉट परमिशन। फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनेट की परमिशन ऐड करवाना चाहता कि आपकी एप्लीकेशन इंटरनेट को एक्सेस करेगी, तो यहाँ मैंने इंटरनेट की परमिशन इनेबल कर दी है। सो दिस अबव लाइन ग्रांट परमिशन टू यूज द इंटरनेट। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास तीन प्रोटेक्शन लेवल हैं जो अफेक्ट करती हैं थर्ड पार्टी ऐप्स को, ऐसी ऐप्स को जो बेसिकली आपकी ऐप से डायरेक्टली लिंक नहीं होती आपके सिस्टम की एंड्रॉइड डिवाइस की दूसरी ऐप जिनको आप इन परमिशन के थ्रू एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक कैमरा की ऐप बनाते हैं तो आप उसमें जो परमिशन अनेबल करेंगे कैमरा की, आपकी डिवाइस में जो भी ऐसी एप्लीकेशन होंगी जिनमें वो परमिशन पहले से गिवन होगी तो आपकी ऐप प्रॉम्प्ट करवा देगी कि ये वाली परमिशन के थ्रू आप इन ऐप्स को यूज कर सकते हैं। सो जो तीन प्रोडक्शन लेवल है वो है हमारे पास नॉर्मल परमिशन, सिग्नेचर परमिशन एंड डेंजरस परमिशन। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल परमिशन से। बेसिकली इस काइंड की परमिशन इसलिए दी जाती है कि जिनमें एब्सोल्युटली नो रिस्क होता है, लाइक अराउंड 100% चांस होता है कि यूजर की प्राइवेसी लीक नहीं होगी या कोई भी और अदर ऑपरेशन ऑफ अदर ऐप्स किसी भी तरह उसकी प्राइवेसी वायलेट नहीं होगी, उसकी सिक्योरिटी वायलेट नहीं होगी। सो इन दिस काइंड ऑफ परमिशन बेसिकली हम कोई परमिशन ग्रांटिंग डायलॉग या प्रॉम्प्ट नहीं दिखाते यूजर को इन सिनेरियो में, कि जो नॉर्मल प्रोटेक्शन लेवल है इस सिनेरियो में यूजर जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसी वक्त ये वाली एप्लीकेशन यूजर की उस एप्लीकेशन के साथ ही इंस्टॉल हो जाती है। इसके लिए यूजर को अलग से एक वो परमिशन का ग्रांटिंग डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट नहीं करवाना पड़ता। यूजर कैन नॉट रिवोक दिस काइंड ऑफ परमिशन, यूजर इन परमिशन को कैंसिल भी नहीं कर सकता क्योंकि ये नॉर्मल प्रोटेक्शन लेवल परमिशन है जो आपकी ऐप को रिक्वायर है अपनी बेसिक फंक्शनैलिटी को चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ एक्सेस लोकेशन एक्स्ट्रा कमांड, फिर नेटवर्क की स्टेट, अगर आप इंटरनेट की स्टेट फॉर एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो इस वक्त नेटवर्क की स्टेट चेक करेगा कि आया उसको वाईफाई की सिग्नल्स मिल भी रहे हैं या नहीं, और अगर मिल रहे हैं तो वो ठीक है एक्सेस कर रहा है, उसका यूजर नेम पासवर्ड ठीक है। सेम एज नोटिफिकेशन की पॉलिसी है, वाईफाई स्टेट है, ब्लूटूथ की है। नॉर्मली हमारी एप्लीकेशन में या हमारी डिवाइस में पहले से ब्लूटूथ इंस्टॉल होता है पर हम उसकी फंक्शनैलिटी बिना किसी परमिशन को एक्सेस किए बगैर भी यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे पास फर्दर कुछ परमिशन है नॉर्मल की एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारे पास इंटरनेट है, फिर NFC है, इसी तरह अलार्म की है,
वॉलपेपर्स है, वॉलपेपर्स हैं, अब हम अपनी ऐप में वॉलपेपर जब चेंज करते हैं तो उस वक्त कोई भी ऐसी परमिशन हमें प्रॉम्प्ट नहीं होती कि आप अपनी एप्लीकेशन को अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो वॉलपेपर चेंज करे या अलार्म को सेट करे। सेम एज फिंगरप्रिंट लॉक है या वेक लॉक या वाइब्रेट वाली फंक्शनैलिटी है। सो इन सिनेरियो में इस तरह की परमिशन के लिए, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल परमिशन के लिए, हम कोई भी डायलॉग बॉक्स यूजर को प्रॉम्प्ट नहीं करवाते। नेक्स्ट है हमारे पास सिग्नेचर प्रोडक्शन लेवल। बेसिकली ये सिस्टम ग्रांट करता है इन ऐप्स परमिशन को एट इंस्टॉल टाइम बट ओनली व्हेन द ऐप दैट अटेम्प्ट टू यूज आवर परमिशन इज साइंड बाय सेम सर्टिफिकेट एज द ऐप दैट डिफाइंस द परमिशन। नॉर्मली ये आपसे सारी परमिशन इंस्टॉल टाइम पे पूछ लेते हैं एंड्रॉइड 6.0 से पहले की जो हमने बात की थी कि इंस्टॉल के टाइम पे ही आपसे वो सारी ऐप की परमिशन पूछ लेता है जो जो आपकी ऐप यूज करना चाहती है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं ऐप्स की परमिशंस को एक्सेप्ट करेगा जिनका साइन आपकी ऐप की के साथ हुआ होगा। लाइक आपकी ऐप में भी वो सारी परमिशन जो अवेलेबल होंगी आपकी manifest.xml फाइल में, सिर्फ उन्हीं परमिशंस को ये इनेबल करवाएगा एट इंस्टॉल टाइम जो आपकी एप्लीकेशन में से पहले से प्रोवाइड मिलेगी या लाइक जिन परमिशंस का सर्टिफिकेट आपकी परमिशन के सर्टिफिकेट से मैच करेगा, से लाइक आपने उसको एक सेम यूजर नेम या की पासवर्ड से साइन किया होगा। सो इसमें कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे बाइंड एक्सेसिबिलिटी सर्विस है कि आपकी डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी चेक कर रहा है, सेम एज कैरियर सर्विस है डिवाइस का एडमिन चेक कर रहा है, कंडीशन प्रोवाइडर सर्विस है, फिर प्रिंट की सर्विस, फिर स्क्रीनिंग की सर्विस की लाइक आप स्क्रीन मिरर करते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे करते हैं, तो ये आपसे इंस्टॉल के टाइम पे अगर आपकी एप्लीकेशन में वो फंक्शनैलिटी है तो इंस्टॉल के टाइम पे आपसे वो परमिशन ये चेक कर लेगा। सेम एज बाइंड टेक्स्ट सर्विस है या बाइंड वॉलपेपर या क्लियर ऐप कैसे कि अगर आप किसी ऐप की कैसे रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये परमिशन भी आपसे ये इंस्टॉल के टाइम पे पूछ लेगा। थर्ड है हमारे पास डेंजरस प्रोडक्शन लेवल। जैसे इसके नाम से डिफाइन हो रहा है कि बेसिकली डेंजरस टाइप की परमिशन है जो कि यूजर अपनी ऐप में अगर अलाउ कर देता है बाई चांस किसी मिस्टेक से, अगर यूजर ने इन परमिशन को अलाउ कर दिया तो यूजर्स का प्राइवेट डेटा जो है जो ऑथोराइज डेटा वो किसी भी अनऑथोराइज एक्सेस में जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उसमें सिक्योरिटी वायोलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्राइवेसी लीक होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। सो डेंजरस परमिशन इज यूज व्हेन वेयर ऐप वांट्स द डेटा एंड रिसोर्सेज दैट इन्वॉल्व द यूजर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। हर उस तरह की परमिशन को जो यूजर के प्राइवेट या सेंसिटिव डेटा को या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहेगी वो हमारे इस सिनेरियो में डेंजरस परमिशन ही क्रिएट होगी। सो इस तरह की परमिशंस के लिए हम यूजर को एक डायलॉग बॉक्स दिखाया जाता है और यूजर अपनी सेंसिटिव की बेस पे या अपनी ऐप की रिक्वायरमेंट्स की बेस पे कि अगर वो अपना डेटा अलाउ करना चाहता है तो वो उसी सिनेरियोज में इन परमिशंस को अलाउ करता है, अदरवाइज वो इन परमिशन को डिनाय कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो अगर आपकी ऐप फॉर एग्जांपल आपके डिवाइस के कैलेंडर को एक्सेस करना चाह रही है जिनमें आपके कुछ इवेंट स्टोर हो सकते हैं, कुछ प्राइवेट डेटा, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो सकती है, तो उसके लिए आपके पास रीड और राइट कैलेंडर की दो परमिशन आपको यूजर की स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी एज अ डायलॉग बॉक्स प्रॉम्प्ट होंगी कि अगर आप अलाउ करेंगे तो ही आपकी एप्लीकेशन आपके कैलेंडर को रीड भी कर सकती है और उसमें कुछ इवेंट को राइट अपडेट भी कर सकती है और एक न्यू इवेंट भी क्रिएट कर सकती है। सेम एज कैमरा के अगर आप अलाउ करते हैं तो ही आपकी एप्लीकेशन आपके डिवाइस के आपके सिस्टम के कैमरा को एक्सेस कर सकेगी, अदरवाइज वो आपके सिस्टम के कैमरा को एक्सेस नहीं कर सकेगी। इसी तरह हमारे पास कॉन्टेक्ट्स के कॉन्टेक्ट्स भी बेसिकली यूजर की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आ जाती है और अगर ये लीक हो जाए तो बेसिकली उसकी सिक्योरिटी वायलेशन है कि उसके कुछ पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर जो वो नॉर्मली शेयर नहीं करना चाह रहा तो वो ये एप्लीकेशन उनमें भी एक्सेस दे देगी और अगर इस एप्लीकेशन को फॉर एग्जाम्पल हैक किया जाता है तो उस सिनेरियो में अगर ये परमिशन इनेबल होंगी तो आपके कॉन्टेक्ट्स या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेम एज लोकेशन जिसमें एक्सेस फाइल लोकेशन है, एक्सेस कोर्स लोकेशन है, उसके बाद माइक्रोफोन जो आपकी एप्लीकेशन में ऑडियो रिकॉर्ड करता है, फॉर एग्जांपल आपके कोई ऐसे सिनेरियो जो बात आप नॉर्मली नहीं रिकॉर्ड करवाना चाह रहे अगर ये इनेबल है तो आपकी ऐप आपके इसके इंटेंशन के बगैर आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है। सेम एज हमारे पास फोन का कि वो आपकी फोन की स्टेट चेक कर सकता है, फोन के नंबर देख सकता है, कॉल फोन कर सकता है, इसी तरह आंसर्स भी कर सकता है मस्ट रिक्वेस्ट एट रन टाइम। सो ये बेसिकली आपको वो रिक्वेस्ट रन टाइम पे साथ साथ जनरेट होनी चाहिए जब जब आप कोई ऐसी फंक्शनैलिटी कोई ऐसी सर्विस यूज करें जिसमें परमिशन लगी हुई है, परमिशन प्रोवाइड की गई है उसके लिए आपके मैनिफेस्ट फाइल में, तो वो सब परमिशन आपको रन टाइम पे जनरेट होना बहुत जरूरी है और यूजर अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट अगर वो अलाउ करेगा, अगर वो समझता है कि इन अलाउ करने से ट्रस्टेबल ऐप को अलाउ करने से मेरे डेटा पे कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा तो ही वो इन परमिशन को अलाउ करेगा। इसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं जैसे हमारे पास
प्रोसेस है आउटगोइंग कॉल यूज एसआईपी ऐड वॉइसमेल एक्सेट्रा. सो आई गेस इस स्टेप तक हम क्लियर हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्शन लेवल हैं और हम किन किन सिनेरियोज में अपने प्रोडक्शन लेवल को परमिशंस को यूज करते हैं. तो आज तक के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.